हेलो एंड वेलकम टू शारदा कुक। आज हम बनाएंगे झटपट कच्चे आम का अचार। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो कच्चे आम बड़े पीसेस में कटा हुआ, आधा कप तेल, एक चम्मच सौंफ, एक चौथाई चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राय, आधा चम्मच कलौंजी, दो चम्मच सौंफ, राय और मेथी का पाउडर, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें तेल डालें और तेल को गर्म होने दें। जब तेल गर्म हो जाए तब हम उसमें डालेंगे मेथी दाने, राई, जीरा, सौंफ और कलौंजी। अब हम इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच हींग और अब हम इसमें डालेंगे हमारे कटे हुए कच्चे आम। इसे अच्छे से मिला लें। ये सारे सीड्स बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे हमारे अचार को। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी और नमक और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अब हम इसे ढक देंगे एक मिनट के लिए। एक मिनट बाद आप देखेंगे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे बाकी के बचे हुए मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हमारा मेथी सौंफ और राई का पाउडर और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा झटपट कच्चे आम का अचार तैयार है। ये बहुत ही आसान और तुरंत बनने वाली रेसिपी है। इसे फ्रिज में 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।